नरेंद्र मोदी का 45 साल का सार्वजनिक जीवन करीब करीब वो एक तपस्या से गुजरा हुआ है। किसी अखबार वाले ने या टीवी वाले ने मोदी के पक्ष में कोई बड़ी बड़ी बातें लिख करके टीवी पर बड़े बड़े शो करके मोदी को नहीं बनाया है। कुछ भी तो क्या वाकई पीएम मोदी जैसा कोई नहीं? तमाम आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री आज चीन सरहद पर पहुंचे। ये 11,000 फीट ऊंचे पहाड़ से नरेंद्र मोदी की वो दहाड़ थी जिसने चीन के होश उड़ा दिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बहुत अच्छा काम किया है और इसकी तारीफ अब पूरी दुनिया कर रही है। क्यों भाई राहुल लाल, मिर्ची लग गई ना तुम्हें? मिर्ची लग गई ना? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सरहद पर खड़ा है और तुम्हारे चीन के प्रधानमंत्री छिपे हुए हैं। लगी मिर्ची इसको अवनी जय समझती, लगी मिर्ची इसको। ये अभूतपूर्व बात है। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। हमारे वीर जवानों की वीरता पर सवाल उठाना क्या सही था? सही था जब आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो फिर हमारे वीर जवानों पर इस प्रकार के सवाल करना ठीक था क्या? अरे देश की जय सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। वाह क्या सीन है। तो शुरू में मेरा काफी समय इन चीजों में बर्बाद हो गया शुरू का, और मुझे एक मिनट भी बर्बाद होना बहुत अखरता है। आज यहां ये भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। ना हम सौदागर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं। देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं। देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं। देश के 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं हम। देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनत कश मजदूरों के भागीदार हैं हम। भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है। हमें गर्व है इस बात और हम तो कामदार है। भला हम नामदार से आंख में आंख कैसे डाल सकते हैं? कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने पिछले 5 सालों में कुछ लिखा है? लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। आज भी मैंने कविता लिखी, अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है। अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है, कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। गजब है, गजब है, गजब है, गजब, गजब दोस्तों, गजब। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है। और चिंता मुझे दिल्ली के मीडिया की है।